हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धनबाद के सिंदरी एसीसी प्लांट में बहुत ही ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ है कल। तो वहाँ के गांव वालों को पुलिस प्रशासन बहुत ही ज़्यादा लाठीचार्ज और बहुत ही ज़्यादा पत्थरबाजी हुआ है वहाँ पर, और वहाँ 144 धारा लग चुका है। तो कल ये एसीसी प्लांट का बात नहीं, हर जगह ऐसा होता है कि वहाँ बाहर के कंपनी आते हैं और यहाँ बस जाते हैं, और ना ही मूल निवासी को सही मुआवजा मिलता है और ना ही नौकरी मिलता है। तो उन लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे और कंपनी वालों ने प्रशासन बुला के उन लोग को बहुत ही ज़्यादा लाठीचार्ज किया है। तो न्यूज़ दिखाते हैं कल का न्यूज़ आप लोग को। धरना के दौरान हुई लाठीचार्ज से गुस्साए ग्रामीणों ने किया पथराव, जिसके बाद एसडीएम ने लगाई धारा 144। धनबाद के सिंदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एसीसी प्लांट में स्थानीय लोगों ने नियोजन के सहित कई मांगों को लेकर टाइगर फोर्स के बैनर तले सोमवार को एसीसी प्लांट के गेट के समीप धरने पर बैठ गए और पूरी तरह एसीसी का चक्का जाम कर दिया। इस दौरान धरना स्थल पर धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार भी धरना स्थल पहुंचे और स्थानीय लोगों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुने। इसके बाद धनबाद एसडीएम ने एसीसी के प्रबंधक से भी वार्ता की, जिसके बाद एसीसी और स्थानीय ग्रामीणों के बीच वार्ता के लिए एक वक्त तय किए, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। लेकिन इस बीच अचानक ग्रामीण और पुलिस के बीच तू तू मैं मैं होने लगी और देखते ही देखते पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से गुस्साए ग्रामीणों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, जिसके बाद एसीसी प्लांट रण क्षेत्र में तबदिल हो गया। मारे मारे पत्थर मार रहा, पत्थर मार रहा, पत्थर चल रहा, पत्थर चल रहा। पत्थर चल रहा, पत्थर चल रहा, देखिएगा। अरे मारे मारे पत्थर चल रहा, पत्थर चल रहा। इस घटना में एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और आंदोलनकारी हुए घायल। आंदोलनकारी को उग्र होता देख धनबाद एसडीएम ने प्लांट के समीप भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी। वहीं इस घटना को लेकर धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल क्षेत्र में 144 लागू कर दिया गया है, साथ ही दो ग्रामीण महिला सहित एक महिला नेत्री को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस आंदोलन में जो भी लोग शामिल थे सभी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग तो उस समय थे, कितनी शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीजें खत्म हो गई थी, सारे लोग जाने लगे थे, हम लोग भी थोड़ी देर में निकलने वाले थे, पर मुझे तो जानकारी मिल रही है कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई आदमी बाहर आके किसी तरह इंस्टिगेट कर दिया, उसके बाद अचानक पत्थरबाजी हो गई। उसको मद्देनजर तो हम लोगों ने भीड़ को तितर बितर कर दिया है, और जो वार्ता में थे उन लोग पर तो सीधे मैं एफआईआर करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों की जवाबदेही थी कि हम लोगों के साथ वार्ता हो गई थी, जब हम लोगों ने कहा था तो फिर इस तरह का कार्रवाई कैसे करवा दी। अभी धारा 144 में पूरे क्षेत्र में लगाने जा रहा हूँ, पुलिस फोर्स भी आ जा रही है, कंटिन्यूस यहाँ सुरक्षा प्रहरी रहेंगे लोग, लेकिन जिन लोगों ने भी ये सब कार्रवाई की है उन सबों पर एकदम सख्त कार्रवाई होने जा रही है, और जब तक इन लोग जेल नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ स्पॉट भी नहीं छोड़ेंगे। सबों को चोट लगी है, मुझे भी चोट लगा है। तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ के कुछ लोगों ने, जो नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने जो काम किया है, ये जब तक अब जेल नहीं जाएंगे यहाँ से प्रशासन अब हटने नहीं। फिलहाल जो महिलाओं को आगे कर गया था, तीन महिलाएं थी, एक महिलाओं की कोई नेत्री भी थी, वो अरेस्ट हुई है। अभी आधा कदा आप देखते होंगे छिटपुट पत्थरबाजी लोगों की जा रही है, हम लोगों ने फोर्स मंगा लिया है, और अभी जो भी यहाँ पे पकड़े जाएंगे वो सब जेल जाएंगे।